बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसी के चलते बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण चक्रवाती तूफान गति उत्पन्न हो सकता है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अगर बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठेगा तो भी इसकी क्षमता हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के मुकाबले काफी कम होगी और इससे जानमाल के नुकसान की संभावना भी कम है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। ये चक्रवाती विक्षोभ के पहले चरण में म्यांमार के तट पर उसके पास से कहीं बनेगा, जहां निम्न दबाव होने के कारण इस तूफान के विकराल रूप धारण करने की संभावना ना के बराबर है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, उड़ीसा में जो अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया, उसी बीच में गति तूफान ने यहाँ पर चिंता बढ़ा दी है, क्या इसकी पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जैसी बंगाली खाड़ी के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, उसके चलते मौसम विभाग ने बंगाली खाड़ी के पूरी मध्य क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के चलते गति तूफान उत्पन्न होने की आशंका जताई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इसके साथ ही साथ जो अपने उधर के सिक्किम, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उसमें जो मानसून है वो 11-12 जून तक आगे बढ़ने की भी आशंका जताई है। हालांकि यदि बात उड़ीसा की करी जाए तो उड़ीसा में अगले 3 दिन बहुत बारिश होने के जो आसार हैं मौसम विभाग ने जताए हुए हैं। हालांकि सोमवार को येलो जो अलर्ट है वो भी वहां पर जारी किया हुआ है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो अन्य जिले हैं उनमें 11 जून तक ऑरेंज जो अलर्ट है उसकी वार्निंग जारी की गई है। जी जयश्री, ऋषभ बताया जा रहा है कि जो अम्फान अभी गया है, अम्फान और निसर्ग, उसकी तुलना अगर से की जाए गति तूफान की तो उसके ना के बराबर इसका जो प्रभाव रहेगा, इसके बारे में क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयति, जो अम्फान तूफान था वो जब बना था तो उस वहाँ का जो परिसंचरण तंत्र था वो वहाँ का जो हवा का दबाव था वो ज्यादा था, लेकिन इस तूफान में ये मानसून के चलते उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते इसका जो असर है वो काफी कम रहेगा अम्फान के मुकाबले और जानमाल के नुकसान होने की संभावना भी बहुत कम है, क्योंकि बंगाली खाड़ी के ऊपर से जो चक्रवाती तूफान उठ रहा है उसके चलते ये कहीं ना कहीं जो इसकी जो क्षमता रहेगी वो कम ही रहेगी। जी जयती जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।